नमस्कार जी, आज हम पहुंचे अटल भूजल योजना करनाल की ओर से गांव ऊंचा समाना में, जहां हमारे एक प्रगतिशील किसान है मनदीप जी। मनदीप जी नमस्कार, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपने अमरूद का बाग लगा रखा है 2.5 एकड़, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमें दें। आपने इसमें कौन सी वैरायटी लगा रखी है अमरूद की? सर, ये जो आप सामने देख रहे हो ये है इसार सफेद, जो कि जो नीचे है ये सारा का सारा टाइप में पिंक है, ये हम अम्बाला से लेके आए। इस अमरूद की खासियत क्या है? खासियत सर ये है, एक तो ये ना तो इतना मीठा है और ना ही इतना तीखा है। जब आप इसको खाओगे तो आपको लगेगा कि वाकई में आपने सेब की तरह कुछ खाया है। के मन में कैसे आया विचार कि ये अमरूद की खेती की जाए? ये पापा की जैसे बाकी किसान जो है वो जैसे गेहूं और जीरी पे ही जोर दे रहे हैं, तो आपके मन में एक्चुअली सर जीरी हम लोग इसलिए हट गए पीछे कि एक तो जीरी में इतनी मेहनत इतनी है, दूसरा कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ रही है, और दूसरा पानी की वेस्टेज है सबसे ज़्यादा। 1 किलो चावल अगर उगाने में कितना सारा पानी वेस्ट होता है, अगर आप उसको अवॉइड करो कोई और फसल लगा लो, आपके पास बहुत ऑप्शन है। अभी मैं देख रहा था कि आप भूजल की स्थिति जो चल रही है वर्तमान में उसको लेके आप काफ़ी गंभीर हैं जी, और पानी बचाने की और जो है आपका ध्यान जो है ज़्यादा वो फोकस में है। जैसे आपने पूरा जो खेत मैं देख रहा हूँ पूरा ड्रिप सिस्टम पे लगा रखा है। बिल्कुल सर।